यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर आजमगढ़ से है, बड़ी है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मुठभेड़ में इनामी बदमाश गौतम को गोली लगी है। मुकेश गौतम D71 गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। मुकेश की साइबर अपराध के मामले में लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। आजमगढ़ के सुपरिंटेंडेंट पुलिस सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एसपी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद इस कामयाबी के लिए, बधाई आपको। कैसे मिली कामयाबी आपको? देखिए, कल ये रूटीन चेकिंग हो रही थी, जो नाइट चेकिंग होती है, उसी में ये एक दो मोटरसाइकिल पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई। जब इनकी घेराबंदी गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें जो दीदारगंज पुलिस है उसकी पुलिस टीम थी और फूलपुर की पुलिस टीम थी थाने की। दोनों ने इसे घेरा तो और जब काउंटर फायरिंग में इसके टांग में गोली लगी और दूसरा अभियुक्त, क्योंकि अंधेरा हो गया था, जंगल था, तो उसमें भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। ये शातिर अभियुक्त है और 6 केसेज में पहले से वांटेड था और साइबर एक्सपर्ट है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट गैंग है D71, उसका ये सरगना है और लोगों के साथ फ्रॉड करता था, ATM बदलकर भोले भाले लोग उनका सारा पैसा पार कर देता है, और उसी चक्कर में ये यहाँ भी घूम रहे थे और उसके बाद ये ट्रैप हुए और उसमें इसके गोली लगी। जी एसपी साहब, ये साइबर अपराधों का एक्सपर्ट आप बता रहे हैं, क्या बड़े इसने अपराध किए हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, ये जो ATMs हैं, ATMs पे ये लोग लगे रहते थे और जो भोले वाले लोग आते थे उनसे सिखा पढ़ा के उनका ATM बदल देते थे और उस ATM से इनके सारे पैसे साफ कर देते थे। इस तरह का केस करते थे। आसपास के जनपदों में इनके केस हैं, दूसरे स्टेट में भी इन्होंने केस किए हैं और ये 25,000 रुपए का इनामी था और 6 केस में हमारे यहाँ से वांटेड भी था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपरिंटेंडेंट पुलिस सुधीर कुमार सिंह जी आपका।